इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि ये बहुत सारा क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत सारे लीनियर फंक्शंस हैं जिनका प्रोडक्ट है, स्क्वायर रूट है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा हम लोग लॉग लेके एक सिंपल फॉर्म में पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। वाई इक्वल्स टू से टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग क्या हो जाएगा आपका, log of y that is equals to log of whole thing। इस स्क्वायर रूट को आप क्या लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके पावर 1/2 लिख सकते हो, तो पावर आपका 1/2 हो गया। अब बाकी लिख दीजिए उसके अंदर जो भी है, तो x माइनस वन है, x माइनस टू है, ठीक है, अपॉन x माइनस थ्री है, टाइम्स x माइनस फोर है, और टाइम्स x माइनस फाइव है। फिर अगला प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो लॉग, ये जो पावर होती है ये पीछे आ जाती है, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये पावर पीछे आ गई। उसके बाद जो मल्टीप्लाई में है न्यूमरेटर में वो प्लस हो जाएगा लॉग सेम बेस पे, और जो नीचे है वो माइनस हो जाएगा। मतलब फाइनली आप प्रॉपर्टी लगा दोगे 1/2, पहले तो m बाई n लगाते हैं, लॉग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x माइनस वन टाइम्स x माइनस टू माइनस लॉग ऑफ x माइनस थ्री, x माइनस फोर और x माइनस फाइव, ठीक है, बड़े नॉर्मली करिए आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद log m इंटू n है, तो log m और प्लस log n मतलब सेम बेस पे, तो ये क्या होने वाला है, दैट कम्स आउट टू बी 1/log ऑफ x माइनस वन एंड प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका x माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही होने वाला है, एक कर्ली ब्रैकेट हम प्लेस कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस थ्री प्लस लॉग ऑफ x माइनस फोर और प्लस लॉग ऑफ x माइनस फाइव हो गया, ठीक, ये कर्ली ब्रैकेट हम कंप्लीट कर देते हैं। अब ये सोचिए जब ये माइनस, ये कर्ली ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे तो ये माइनस साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस साइन हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, तो ये माइनस आ जाएगा और यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये आपका सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है ना। अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का क्या होगा, ठीक है, लॉग वाई का हो जाएगा 1/y डीवाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब लॉग क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस टू माइनस d by dx of log of x minus 3 minus d by dx of, लिखना बस आपको ज़्यादा है इसमें, हाँ, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो काफ़ी ठीक है, ईजी है लाना, x minus 5। अब देखिए यहाँ पे ये y खैर इधर आएगा, उसकी बाद में सोचते हैं हम लोग, लॉग का डिफरेंशिएशन होगा लेकिन लॉग एक्स का फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ठीक है, मतलब जब एक्स वैल्यू प्लेस करोगे तो पहले क्या ऑपरेट होगा एक्स माइनस वन और फिर उस पर लॉग ऑपरेट होगा, इसी सीक्वेंस में डिफरेंशिएट होगा, सबसे पहले आउटर फंक्शन लॉग डिफरेंशिएट होगा, फिर एक्स माइनस वन डिफरेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो फाइनल क्या आने वाला है, ऊपर से मिटा दे रहे हैं, ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज 1/2 टाइम्स वाई, यहाँ का वाई हम इधर ले आए, ठीक है, ये वाई हम इस साइड में ले आए ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे लॉग को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लॉग का होता है 1/ वॉट एवर इन साइड द लॉग, फिर x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन होगा, x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो इंटू 1 आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका इसी तरह से 1 माइनस एक्स माइनस टू इंटू 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/
x माइनस थ्री इंटू वन, क्योंकि x माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होगा, वन होगा। फिर आपका माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर इंटू वन, माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव इंटू वन, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आ गया, y की वैल्यू प्लेस कर दीजिए जो आपके दिया गया था, एक बड़ा सा जो क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, x माइनस वन टाइम्स x माइनस टू ओवर x माइनस थ्री x माइनस फोर टाइम्स x माइनस फाइव, और फिर आपका ये जो आ गया है ना, वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव, ठीक है। दैट इज योर फाइनल आंसर डीवाई बाई डी एक्स, ठीक। अब इसके बाद कोई सिंप्लीफाई करने का इसको कोई मतलब नहीं बनता, दैट इज योर आंसर।